तो अपनी मांगों को लेकर किसान अभी भी आक्रोशित हैं, तो वहीं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी किसानों के मुद्दे पर सरकार पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि देश का किसान सरकार की नीतियों से परेशान है, सरकार ने आंदोलन से पहले क्यों नहीं सुनी किसानों की बात, उसे अपनी जनता की स्थिति का पता करना चाहिए, क्योंकि आज लोकतंत्र में सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो वो है किसान, और कर्ज में डूबा है हमारा किसान। मंदसौर में जो कुछ भी हुआ, बाद में सरकार किसानों की बात सुनने के लिए तैयार हुई, ये नौबत आ गई तो ये राजनीति हो रही है क्या किसान को लेकर? ये हमने आपको बताया कि ये लोकतंत्र की विपरीत बात है। जब किसान दुखी है और वो कोई बात अपनी कहना चाहता है, एक तो सरकार के पास स्वयं वैसे साधन होना चाहिए वो प्रजा की स्थिति को जान सके अपने गुप्तचरों के माध्यम से, और अगर वो अपनी बात भी कहते हैं उसको सुनना चाहिए, और वो अगर नहीं सुनते हैं तो उसका परिणाम यही होता है जो हम देख रहे हैं। ये बहुत ही चिंताजनक है और ये इससे सरकारों को सबक लेना चाहिए, कहीं भी कोई भी बात अगर न्यायोचित है तो उसको शांतिपूर्वक ही निपटाना चाहिए।